सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल न्यूटेक ईजी को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें नए वीडियो की नोटिफिकेशन एंड सूचना के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस शेयर वाले बटन को दबाकर आगे शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूटेक ईजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटेक ईजी में। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए लेकर आऊं एक बहुत ही खास चीज, वो है एक माइक्रोफोन। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमेंट्स में भी मुझे पूछा है और ऑफिशियली मुझे पूछते आ रहे हैं, और 3-4 तो मेरे पास मेल भी आई थी कि आप जो माइक्रोफोन यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, या फिर कौन सा माइक्रोफोन बेटर रहता है, अच्छा रहता है, और कौन सा माइक्रोफोन आपके लिए सही है। तो एक अलग से मैंने माइक्रोफोन परचेज किया है, तो जो कि काफी अच्छा है और काफी यूट्यूबर्स बड़े बड़े उसे ही यूज करते हैं। तो वो वाला जो माइक्रोफोन है वो ये वाला जो माइक्रोफोन आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो माइक्रोफोन है वो बोया कंपनी का है। देखिए वैसे तो मेड इन चाइना है, पर बहुत अच्छी रेटिंग इसकी है। उसी के साथ साथ इसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और नॉइस को कैंसिल करने की कैपेसिटी इसमें काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। उसी के अलावा दोस्तों, आपको इसकी रेट जो है मिलेगी 1000 से 1400 या 1500 रुपये के बीच में। मेरा मतलब कि इसकी रेट जो है चेंज होती रहती है। तो लेटेस्ट अभी रेट आप जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद में आप फ्लिपकार्ट में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। और फ्लिपकार्ट में जाने के बाद क्या करना है आपको, उसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप जान लेंगे कि अभी इसकी जो है प्राइस, रियल प्राइस जो है क्या है। तो चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग में आपको करके बताता हूँ क्या क्या इसके साथ फीचर्स आते हैं और क्यों माइक्रोफोन जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वाला जो माइक्रोफोन है, और इसके ऊपर देखिए इसका एक बिल आया है, चाहे तो आप इसे हटा भी सकते हैं। और यहाँ से मैं बिल पहले ऐसे ही समझा देता हूँ। तो ये जो माइक्रोफोन है, यहाँ पर इसकी रेट लिखी हुई है 1065 रुपये, आपको 1100-1400 रुपये तक का पड़ सकता है, या फिर 1100 से 1400 रुपये तक की इसकी रेट होती रहती है। अभी आप परचेज करोगे तो मात्र आपको 1065 रुपये का ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 15 से 20 दिन तक तो इसकी रेट चेंज नहीं होती, मतलब इसका जो साप्ताहिक पीरियड चलता है उसके हिसाब से इसकी रेट चेंज होती है। उसके बाद में ये इसके जो मेरा एड्रेस है वो है, और यहाँ पर जो इसकी अदर क्वालिफिकेशन है वो लिखी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी क्वांटिटी है, यानी संख्या है, और संख्या इसकी एक ही है, क्योंकि मैंने एक ही माइक्रोफोन मंगाया था। उसके बाद में इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं, मैं इधर से खोलता हूँ। ये बिल तो मैंने आपको दिखाई दिया, इसको आप और भी ओपन कर सकते हैं। ये मेरे पास अभी फिलहाल कैंची है, मेरे को चाकू यूज में लेना था, तो इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं, और यहाँ से इस तरह से मैं इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद में देखिए दोस्तों, इस तरह से ये कट हो जाता है, और कट होने के बाद में देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो है आपको मिलेगा ये वाला, देखिए एक अच्छा सा माइक्रोफोन, और ये इसकी जो है प्लास्टिक वगैरह है, इसको हम साइड में कर देते हैं। उसके बाद में ये माइक्रोफोन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल वर्क्स के लिए यूज लिया जाता है, और BYMI मतलब बोया का ये माइक है। और यहाँ पर इसकी और सारी क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, पूरे स्मार्टफोन के लिए ये है, कैमरा रिकॉर्डर्स के लिए है, DSLR रिकॉर्डिंग के लिए है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, PC ETC सभी के लिए। और यहाँ पर इसकी अदर क्वालिफिकेशन है 64 dB, मतलब डेसिबल से अधिक रिकॉर्ड करता है, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग ये देता है, और नॉइस कैंसिलेशन भी इसकी अच्छी है। तो अब इसके आगे की अनबॉक्सिंग करते हैं। आगे की अनबॉक्सिंग के लिए मैं इसको इस तरह से ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद में देखिए कितना अच्छा प्यारा सा इसका जो बैग है, और उसके बाद में देखिए इसमें और क्या है। और ये इसकी एक यूज़र मैनुअल है, मतलब ये एक बुक है जिस पर आप देख सकते हैं कि इसकी और क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी लंबाई की है ये, और किस तरह से इसको यूज करते हैं, क्या इनका काम है, क्या इसका वर्क है। तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा, और बाकी सारे इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही जाओगे। उसके बाद में क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। और इसको ओपन करने के बाद में देखिए, ये वाला जो है ये हमारा माइक्रोफोन है, जो काफ़ी बड़ा है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी इसकी लेंथ है, बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ है, लगभग 20 फुट के आसपास इसकी जो है आपको लेंथ देखने को मिल सकती है, 15 से 20 फुट के आसपास। और ये देखिए इसके अंदर और क्या क्या है, तो इसके अंदर देखिए और क्या क्या मिलते हैं आपको। इसके अंदर मिलते हैं आपको, ये देखिए इसका जो अदर पिन है, ये वाली पिन है, और इसका जो नॉइस कैंसिलेशन के लिए, मतलब कैंसिल करने के लिए जो इसका अलग से पाउच आया है वो है, और ये हमारे जो हैंडल वगैरह आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस तरह का हैंडल है, और ये इसकी एक बैटरी है। चलिए इससे भी ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद में देखिए, ये तो एक इसका जो है पाउच है, उसको हम यहाँ पर जो है इंसर्ट करेंगे इस तरह से, और इस तरह से इंसर्ट करने के बाद में उसकी नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसकी, ये वाली पिन की। देखिए ये वाली जो पिन है वो कहाँ पर इंसर्ट होगी, आपको मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ अच्छे से। मैं इसको ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पर ये वाली जो पिन है ये यहाँ पर
इस तरह से आप ऐड करके जो है बड़ी बड़ी डीजे साउंड्स की जो टेप है उनमें लगा सकते हैं, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आपको किसी अनाउंसमेंट के लिए, पार्टीज वगैरह के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी जो मिक्सिंग की मशीनें हैं उनके लिए भी आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। तो इसको तो मैं भी रिमूव कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और जो आपके कैमराज में जो पिन लगती है वो इसी तरह की लगती है, तो आप वो है इसको ऐड करके कैमरा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो ये वाला जो इसका हैंडल है उसकी, और ये वाली जो बैटरी है उसकी। तो देखिए हैंडल को क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा इसको जोर देके यहाँ पर इसको अटैच कर देना है। देखिए अटैच करके दिखाई देता हूँ, इसको इस तरह से जोर देके आपको इसको अटैच कर देना है। इसकी क्वालिटी काफी बेहतर है, देखिए काफी जो इसकी क्वालिटी है आपको बहुत ही बेहतर मिलेगी, और इसकी जो लंबाई है बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ से देखिए उसके बाद में हमारे पास एक बैटरी है, चलिए इस बैटरी को भी थोड़ा सा रिमूव करके आपको दिखाई देता हूँ। और यहाँ से मैं इस बैटरी को रिमूव करता हूँ, देखिए एक बैटरी जो है मिनिमम 6 महीने तक चल जाती है, मैंने जो है यूज करके देखा है, तो 6 महीने तक एक बैटरी आपको आराम से चल जाएगी, उसके बाद में आप चाहे तो दूसरी परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस बैटरी की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप अपना माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन अपने पीसी के साथ। तो यदि आप इस माइक्रोफोन को यूज करते हैं अपने डीएसएलआर कैमराज के साथ और अदर बड़े बड़े कैमरा के साथ, या फिर अपने जो साउंड मशीन है उनके साथ, या फिर और मशीनों के साथ, तो उसके लिए अब क्या करना होगा, इसको आपको इंसर्ट करना है। देखिए सिंपली इसके यहाँ पर दो मोड है, तो आपको यहाँ पर ऊपर वाले पर क्लिक करोगे तो ये कैमरा के लिए ऑन होगा, तो ये कैमरा के लिए ऑन होगा, तो ये तभी अप्लाई होगा जब इसमें बैटरी इंसर्ट होगी। लेकिन स्मार्टफोन पर आप जैसे ही क्लिक करके रखते हो तो स्मार्टफोन के लिए अप्लाई ही रहेगा। उसके बाद में देखिए इसको इस तरह से आप ओपन कर लेंगे, इसको इस तरह से ओपन करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको इसको बैटरी इंसर्ट करने के लिए जो है ये मिलेगी। तो इसको बैटरी को इंसर्ट आप सिंपली किस तरह से करेंगे, यहाँ पर इस तरह से इस बैटरी को बिल्कुल बारीकी से जो है इंसर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इंसर्ट करने का देखिए बहुत ही अच्छा तरीका इसमें दे रखा है, और तो आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर लेंगे। और चलिए इंसर्ट, सॉरी ये जो है गिर गई, और इसको आप जो है इंसर्ट कर लीजिएगा, अभी मैं रहने देने वाला हूँ, आप बाद में इसको इंसर्ट कर लीजिएगा और इंसर्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो लेंथ की बात करूँ तो इसकी लेंथ काफी बेहतरीन है, आप चाहे तो अनाउंसमेंट वाले वीडियोस, बड़े बड़े वीडियोस बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, और बहुत अच्छे बैकग्राउंड्स के साथ कर सकते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी मतलब चाहे तो आप इससे कॉमेडी वाले वीडियोस, डांस वाले वीडियोस भी बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ ये मिलता है। उसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर एक और फीचर है जो आपको मैं बता दूं, जब आप इसे इंसर्ट करोगे यहाँ से, जब आप इसे इंसर्ट करोगे अपने पीसी कैमरा फोन के साथ, तो आपको कोई जरूरत नहीं इसके अंदर बैटरी डालने की, जैसा कि मैंने पहले बताया है, बस यहाँ से आपको मूड को ऑफ करके रखना है। यदि बैटरी को यूज करते हैं तो आपका जो कैमरा फोन है उसके लिए बैटरी यूज होगी। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं तो इसकी जो लंबाई की बात आती है, तो आप इसको सिंपली इंसर्ट किस तरह से करेंगे, अपने शर्ट के अंदर से इसको लेते हुए चलेंगे, और इस हैंडल की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। देखिए अदर माइक्रोफोन आप मंगवाते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो हैंडल है प्लास्टिक का आता है, जल्दी टूट जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी मेटल है वो काफी अच्छा है, अच्छे से तो नहीं पता, शायद लोहे का ही होगा, लेकिन काफी बेहतरीन क्वालिटी इसकी है। और यहाँ पर जो इसका पाउच आप देख रहे हैं वो नॉइस कैंसिलेशन के लिए काफी अच्छा है, आपकी नॉइस को काफी अच्छे से कैंसिल करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये माइक्रोफोन जो है काफी सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं, टेक्निकल गुरुजी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसी माइक का यूज करते हैं, और ये बोया का जो है माइक है। और इसकी जो अनबॉक्सिंग थी, आप ही लोगों के क्वेश्चंस थे उसके बारे में मैंने बताया, और अलग से माइक्रोफोन मैंने मंगाया है आप लोगों को बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।